हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फटाफट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा जनरल साइंस, और जनरल साइंस में मैं आपको बताऊंगा प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़, यानी कि कौन कौन से डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक है, उसका मैं ट्रिक दूंगा। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जो कि जीवाणु और विषाणु से रिलेटेड था, और उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक दिया था, जीवाणु के लिए अलग ट्रिक दिया था और विषाणु के लिए अलग ट्रिक दिया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज। ओके, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज कौन कौन सा डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होता है, उसे मैं एक ट्रिक के थ्रू काम पे चौपाड़ी नहीं मिलता। ओके, ये आपका ट्रिक है, और इससे आपके प्रोटोजोआ से जितनी भी डिजीज है वो सारे कवर हो जाएंगे। जैसे का से आपका हो गया काला जार, हो गया मौश, आपका हो गया मलेरिया, हो गया ओके, पे से आपका हो गया पेचिस हो गया ओके, एंड सो से आपका हो गया सोने की बीमारी हो गया, एंड आपका हो गया पाइडिया हो गया। ये सारे डिजीज प्रोटोजोआ से होते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा डिजीज होता है, काला जार होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है, सोने की बीमारी होती है, एंड पासे पाइडिया होता है। ये सारे डिजीज जो भी थे वो प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज है, और उसका ट्रिक मैंने आपको दिया, काम पे सोपारी नहीं मिलता, यानी कि का से आपका हो गया कालाजार हो गया, मौ से आपका मलेरिया हो गया, पे से आपका पेचिस हो गया, एंड सो से आपका सोने की बीमारी हो गया, और लास्ट से आपका पाइडिया पास से हो गया आपका पाइडिया हो गया। ये सारे डिजीज थे आपके प्रोटोजोआ से, जो कि इसका ट्रिक था काम पे सोपारी नहीं मिलता। ओके, सेकंड है आपका कवक से होने वाले डिजीज, यानी कि कौन कौन सा डिजीज है जो कवक से होता है, यानी कि कवक से होने वाले डिजीज। ओके, कौन कौन सा डिजीज है जो कवक से होते हैं, और इसका भी मैं एक ट्रिक दूंगा। इसका ट्रिक है आपका बहुत फनी, इजीली आप याद कर सकते हैं, ए गंदा खाद है। इजीली है, आप याद कर सकते हैं, और एक बार में याद हो जाएगा, ए गंदा खाद, यानी कि ए से आपका हो गया एक्जिमा, हो गया ऐसे आपका हो गया एक्जिमा हो गया ओके, और गंजवार से आपका हो गया गंजापन हो गया ओके, एंड दांत से आप याद रख सकते हैं दांत को। ठीक है ना, खा, फिर खा से आप याद रख सकते हैं खाद ओके, एंड डी से आप याद रख सकते हैं धमाकू, डी से आप याद रख सकते हैं धमाकू ओके। ये सारे डिजीज था कवक से होने वाले ओके, और इसका ट्रिक था क्या, इसका ट्रिक था आपका ए गंदा खाद है ओके, ए से आपका हो गया एक्जिमा, गंजवार से आपका हो गया गंजापन, दा से हो गया दाद, खा से हो गया खाद, एंड डी दो से हो गया आपका दमा। ये सारे
डिजीज थे कवक के, जो कि एक ही ट्रिक के थ्रू कवर हो गए थे। ट्रिक क्या था, एक गंदा खाज है। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपने कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।